हेलो स्टूडेंट्स, हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे और विथ एग्जांपल न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? इंटरेस्ट रेट के लिए किया जा रहा है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम फ्यूचर में ही अपनी प्राइसेस कि किस प्राइस पे करना है और स्पेसिफिक डेट, सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, आज ही बैठ के फ्यूचर का सब कुछ फिक्स हो जाता है, तो उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, पर यहाँ पर प्राइस क्या फिक्स हो रही है? यहाँ प्राइस नहीं, यहाँ इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जा रहा है। जो चीज़ लॉक की जा रही है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट। इसीलिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसके लिए किया गया है? इंटरेस्ट रेट के लिए किया जाता है, राइट? तो एक चीज़ जब भी आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को समझेंगे और पूरा डिस्कशन होगा, उसको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो एग्रीमेंट होगा बेसिकली लोन के लिए होगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोन ले रहे हैं और लोन के लिए ही एग्रीमेंट कर रहे हैं और लोन पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट जो होने वाला वो इंटरेस्ट रेट के लिए एग्रीमेंट होने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर भी सेम जैसे नॉर्मल एग्रीमेंट में होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन, सेम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया जाता है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी राइट और ऑब्लिगेशन दोनों होगी किस चीज़ की? बोरो करने की। और शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब हो गया कि राइट और ऑब्लिगेशन दोनों होगी टू लेंड, मतलब उधार देने की, टू लेंड, ठीक है? तो लॉन्ग में क्या हो गया? बोरो करने की हो गई और वहाँ पे क्या हो गई? उधार देने की हो गई, लेंड करने की हो गई। तो बेसिकली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में आपका राइट और ऑब्लिगेशन दोनों इन्वॉल्व होता है, जबकि ऑप्शंस में आपने देखा था कि वहाँ सिर्फ राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? आपकी ऑब्लिगेशन होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट करिए। और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैसा हो गया? यहाँ दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो एक बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बता दी, तो अब आपके ध्यान में रहेगी कि अगर आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं और लॉन्ग पोजिशन में, इसका मतलब आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जहाँ पर आप बात कर रहे हैं बोरो करने की, ठीक है? आप बोरो करने वाले हैं लोन को और आप जो इंटरेस्ट रेट है वो आप फिक्स करने की बात कर। तो बेसिकली जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच में होगा। वो एग्रीमेंट किस लिए हो रहा है? कि इंटरेस्ट रेट में जो मूवमेंट होने वाली है फ्यूचर में, मतलब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाले हैं या घटने वाले, जो भी मूवमेंट होने वाली है, उसके रिस्क से खुद को बचाया जा सके, उसके रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एग्रीमेंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। सो बेसिकली ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, OTC कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब बैंकों के थ्रू जाता है, जहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती हैं एक एग्रीड डेट पे कि फ्यूचर के इस डेट पे भी हम आपको इसी रेट से लोन प्रोवाइड करेंगे, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो एग्रीमेंट होता है वहाँ पे बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है, जो कमिटमेंट की गई है, वो उसी नोशनल अमाउंट, मतलब लोन जो अमाउंट लोन का है, उस पे उस इंटरेस्ट रेट के एक्सचेंज होने की बात कही जाती है। तो अगर क्रक्स में देखें तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो होगा वो आपको इस रिस्क से हेज करने वाला है कि अगर फ्यूचर में लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो उस केस में आप जो रिस्क होगा आपके साथ, जो लॉस आपको होगा, उससे बचाने के लिए आपने एक एग्रीमेंट किया, दैट इज़ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो यहाँ इस एग्रीमेंट में ओवर द काउंटर जो एग्रीमेंट होने वाला है वहाँ पे आप इस इंटरेस्ट रेट को, फ्यूचर में जो लोन आपको मिलेगा उसके इंटरेस्ट रेट को आज ही आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? और फिर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोन लेंगे। मतलब बेसिकली लोन क्या होता है? नेटिंग में होता है, नेट ही एडजस्टमेंट होती है। जो आपका लोन अमाउंट है उसे नोशनल अमाउंट कहेंगे और कभी भी उसमें कोई भी डीलिंग नहीं होगी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? बाय एंट्री इनटू FRA द पार्टीज़ लॉक इन एन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया। अगर मैं 8% का इंटरेस्ट रेट चाहती हूँ और 3 महीने या 6 महीने बाद लोन लेना है, तो 6 महीने बाद जब मैं लोन लेने जाऊँगी तो इंटरेस्ट रेट तो बदल जाएगा। और लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे 8% का लोन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और वो 6 मंथ बाद, तो अभी मैं क्या करूँगी? एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो गई, FRA एग्रीमेंट, मैंने ओवर द काउंटर एक एग्रीमेंट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी?
अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दे रही हूँ। मतलब अगर मैं 6 महीने बाद भी लोन लेने जाऊँ तो मुझे जो कॉस्ट पड़े उस लोन की, लोन के लिए जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े, वो हमेशा कितना करना पड़े, 8% ही करना पड़े। तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, स्टेटिंग ऑन अ फ्यूचर सेटलमेंट डेट, और जो कि कब शुरू होगी, जो भी हम 3 महीने 4 महीने के बाद से जब भी लोन स्टार्ट करने जाना चाहते हैं तब से, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। तो बट ऑब्वियसली बात है, एक लोन अमाउंट तो हमारा होगा ही जिस पे हम ये लोन इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो है क्या कि नोशनल अमाउंट एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब जो लोन का अमाउंट है उसका एक्सचेंज नहीं होने वाला, वो कहीं पे आप इस जिस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है कि मैंने आपके साथ अगर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है तो प्रिंसिपल अमाउंट्स के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। हमारा और आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट का है, और इंटरेस्ट रेट में भी सिर्फ जो नेट है, जो डिफरेंस वैल्यू है, सिर्फ वही ट्रांसफ़र होगी, राइट। तो ये चीज़ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि करेंसी स्वैप क्या करता है, करेंसी स्वैप कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले ट्रांसफ़र हो, जो मेन अमाउंट है करेंसी वो पहले ट्रांसफ़र हो, फिर बाद में इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज होगा, है ना। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या कहता है कि प्रिंसिपल नहीं एक्सचेंज होगा, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सचेंज होगा। सिमिलरली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपसे क्या कह रहा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपसे कह रहा है कि ऐसा है कि नोशनल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ इंटरेस्ट को लॉक करिए और जो डिफरेंस अमाउंट है ना उसका सेटलमेंट होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को और अच्छे से समझने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉरोवर है, मान लीजिए मिस्टर ए, जिनको उधार लेना है, वो बॉरोवर है, वो चाहते हैं कि वो 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, और वो लोन जो है 10% के रेट से लेना चाहते हैं, पर लोन आज नहीं लेना चाहते। आज मार्केट का रेट 10% है, पर उनको लोन आज नहीं लेना है, उनको कब लोन लेना है, उनको 3 मंथ्स के बाद लोन लेना है, ठीक है। तो इसके लिए वो बैंक के पास गए थे और बैंक से बोला कि हमें 3 महीने के बाद लोन लेना है और मुझे 10% पे लोन लेना है। तो बैंक ने क्या कहा उनसे कि देखिए, अगर आज आप लोन लेते हैं तो 10% रेट चल रहा है, हम आपको 10% के रेट से 10 लाख का लोन दे देंगे, लेकिन 3 महीने बाद जब आप लोन लेने आएंगे तो हम आपको वही लोन देंगे, उसी रेट से देंगे जो उस टाइम पर रेट चल रहा होगा, मिबोर या लिबोर जो भी एप्लीकेबल हो। मिबोर मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, या लिबोर मतलब क्या हो गया, लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट। तो जो भी उस टाइम एप्लीकेबल हो, आप जहां पे भी लोन ले रहे हैं, जहां पे भी जिस भी कंट्री में हैं आप, उसके हिसाब से वो रेट आपका चल रहा होगा। तो बेसिकली बैंक ने क्या कहा कि उस टाइम पीरियड पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, हम आपको 10 लाख का लोन उस रेट पे देंगे, ना कि आज आप जो फिक्स करना चाहते हैं उस पे देंगे। अब जो मिस्टर ए एक बॉरोवर हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें तो पैसे चाहिए और लोन लेना है, लेकिन वो रिस्क में है। रिस्क किस चीज़ का है, उनको रिस्क इस बात का है कि कल को फ्यूचर में, मतलब 3 मंथ्स के बाद जब उन्हें लोन लेना है, 3 मंथ्स के बाद जब वो लोन लेने जाएं, तो उनको कंफर्म है कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ जाना है। तो वो इस डर से, इस फियर में है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उसे हेज करना चाहते हैं, राइट, उस रिस्क को ख़त्म करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या 10 लाख रुपए के लिए होना है, नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए होना है। रिस्क कौन सा है कि इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ ना जाए, है ना। वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल जाए, राइट, उनको कॉस्ट 10% की पड़े। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक FRA इंटरमीडियरी, मतलब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के लिए जो इंटरमीडियरी होते हैं, सपोज एक बैंक ही हो गई वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, बैंक भी हम कह सकते हैं उसे, तो कोई एक बैंक है जो ये एग्रीमेंट करती है। तो मिस्टर बॉरोवर उस बैंक के पास पहुँचे और बैंक ने कहा, उस FRA इंटरमीडियरी ने क्या कहा कि आप मेरे से आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। आपको 10% का इंटरेस्ट रेट चाहिए, चलिए हम फिक्स कर देते हैं कि आप जब भी 3 महीने के बाद लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, 10% ही पड़ेगा, राइट। तो इन लोगों ने, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इंटरमीडियरी ने और मिस्टर ए जो कि बॉरोवर थे, इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरेस्ट रेट, जिसको कि बोला जाता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। एक एग्रीमेंट जो रेट के लिए किया गया है, और फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर डेट में किया गया है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया इन लोगों ने, और यहाँ पे फिक्स किस पे, ये एग्रीमेंट का प्राइस क्या फिक्स हुआ, इंटरेस्ट रेट क्या फिक्स कर दिया गया, 10% फिक्स कर दिया गया,
क्लियर है। तो जो फॉरवर्ड रेट है वो कितना है आपका 10%, इस एग्रीमेंट का जो रेट है वो 10% है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, 3 महीने बाद आप लोन लीजिएगा, मैं आपको 10% से लोन, आपको 10% चाहिए, 10% का आपको लोन मिल जाएगा, आपको खर्चा 10% के ही इंटरेस्ट का पड़ेगा, उससे एक्सेस नहीं पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, अगर इससे एक्सेस पड़ेगा, 10% से एक्सेस 3 महीने के बाद लोन का अमाउंट हो जाएगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं पे कर दूंगा। किसने बोला, इंटरमीडियरी ने पे किया। आप बैंक से लोन लीजिएगा और अगर बैंक 20% का लोन हो गया, 15% का हो गया, 17% का लोन हो गया, मतलब 10% से लोन बढ़ गया, तो आप बैंक से 17% पे लोन ले लीजिएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 7% आपको पड़ रहा है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसा किसने बोला, इंटरमीडियरी ने बोल दिया। तो बेसिकली मिस्टर ए सेफ हो गए, वो 10% के रेट से इंटरेस्ट चाहते थे, उनको 3 महीने के बाद 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा इन एनी हाउ। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये बात भी हुई कि मान लीजिए 3 महीने के बाद ये रेट डिक्रीज कर जाता है, तो अगर ये रेट डिक्रीज कर गया है, जो 10% था वो रेट 7% हो गया, तो क्या होगा। तो इस बात में, इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, उस केस में बॉरोवर जो 3% कम हो गया रेट, वो किसको देंगे, इंटरमीडियरी को देंगे। बेसिकली मिस्टर ए को 10% की ही कॉस्टिंग पड़ेगी, चाहे रेट कम हो जाए चाहे रेट ज़्यादा हो जाए। अगर मार्केट में 3 महीने के बाद लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो FRA इंटरमीडियरी उनको एक्स्ट्रा पैसा दे देगी, है ना। मिस्टर ए को 10% पड़े इसलिए। और अगर मिस्टर ए को उस टाइम पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम हो गया, तो मिस्टर ए जितना भी अमाउंट कम हुआ है 10% से, उतना उठा के इंटरमीडियरी को दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि मिस्टर ए को तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से अब 10% का ही कॉस्ट पड़ना है, इंटरेस्ट कितना पड़ना है, 10% का पड़ना है, क्लियर है। यही एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की मेन बात हो जाती है। बेसिकली 3 मंथ्स के बाद का टाइम पीरियड आया, और उस टाइम पीरियड में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 15% का हो गया। इन दैट सिनेरियो मिस्टर ए जो कि बॉरोवर थे, उनका तो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से 10% से एक्सेस जितना भी होगा वो इंटरमीडियरी उनको पे कर देगी। अब वो मार्केट में देख रहे हैं कि 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर ए इसी बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे ठीक है आप मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए, और जो बैंक है वो मिस्टर ए को 15% के रेट से इंटरेस्ट दे देगी, 10 लाख का लोन 15% के रेट से दे देगी। पर मिस्टर बॉरोवर के केस में क्या होगा, मिस्टर बॉरोवर को इंटरमीडियरी से 5% जो एक्स्ट्रा हैं वो मिल जाएंगे। तो FRA इंटरमीडियरी विल पे द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ 5%। फॉरवर्ड रेट है 10%, एग्रीमेंट का रेट था 10%, और जो आपका फ्लैक्सिबल रेट है, फॉरवर्डिंग रेट है, वो कितना, फ्लैक्चुएटिंग रेट कितना है, 15% का है, मतलब उस टाइम का मार्केट का जो रेट चल रहा है 15% का चल रहा है। तो इंटरमीडियरी को पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया है कि 10% से ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ने देंगे, तो 5% एक्स्ट्रा पड़ गया, तो इन दैट सिनेरियो इंटरमीडियरी 5% किसको उठा के दे देंगे, बॉरोवर को दे देंगे। पर यहीं अगर ये 8% हो जाता तब क्या होता, अगर 3 महीने बाद जब मिस्टर ए लोन लेने गए तो 8% हो गया होता तब क्या हो जाता। इस केस में जब 8% हो जाता, तो इंटरमीडियरी इनसे कहता कि ऐसा है आप 2% मुझे दीजिए, क्योंकि आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना, अब एग्रीमेंट हुआ है तो आप 2% दीजिए। दोनों ही पार्टीज़ इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एग्रीमेंट कैसा है, इसमें राइट भी मिलेगी और ऑब्लिगेशन भी मिलेगा। मिस्टर ए ने अगर इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुए, तो उनके पास ये राइट है और ऑब्लिगेशन दोनों है कि ये बोरो करे ही करें, और FRA इंटरमीडियरी इस एग्रीमेंट में हुए तो वो शॉर्ट पोजिशन लेके बैठे हैं, इसका मतलब उनके पास ये राइट और ऑब्लिगेशन दोनों है कि ये लेंड करें, दें, ठीक है। तो ये चीज़ें इनकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यही है आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, क्लियर है। तो बेसिकली देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको लिखनी होती हैं एग्ज़ाम्स में, तो द पार्टी हु एग्रीज टू पे दिस रेट इज़ नोन एज द बायर। जो पार्टी इस रेट को पे करने के लिए रेडी है वो बायर कहलाएगी FRA की, और वो लॉन्ग पोजिशन में होगी। वाइल द काउंटर पार्टी इज़ नोन एज द सेलर ऑफ द FRA, और वो क्या होगी, शॉर्ट पोजिशन में होगी। तो लॉन्ग मतलब जिसने लेन बाय करने की बात कर ली कि वो आपको पेमेंट करेगा। फिर क्या है कि इफ़ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर अ मंथ इज़ हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया, है ना। जैसे हमने देखा कि इन कॉन्ट्रैक्ट के रेट तो 10% था, पर जब एक्चुअली देखा गया 3 महीने के बाद का इंटरेस्ट रेट, तो वो कितना हो गया, 15% हो गया। द लॉन्ग विल रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम द शॉर्ट। तो लॉन्ग यहाँ पे क्या था, कौन था, मिस्टर आपकी ए जो बॉरोवर थी, वो बोरो करने के लिए की हुई है ना, तो उनके पास क्या हो जाएगा आपका,
उनके पास ये रहेगा कि उनको जितना भी अमाउंट एक्सेस हुआ है वो सब के सब शॉर्ट उनको पेमेंट करेगा, मतलब 5% बैंक जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का इंटरमीडियरी है वो उसे पेमेंट करेगा। और अगर रेट लोअर हो जाता है तो इस केस में लॉन्ग मतलब कि बॉरोवर उनको पेमेंट करेगा, किसको, इंटरमीडियरी को पेमेंट करेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 10 से 8% हो जाता है तो 2% बॉरोवर देगा इंटरमीडियरी को, पर 15% हो गया तो 5% इंटरमीडियरी देगा किसको, बॉरोवर को। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का सिनारियो होगा, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं क्या कि इस FRA एग्रीमेंट की क्या प्रिंसिपल एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो रहा है, एक स्पेसिफिक नीड्स को मीट आउट करने के लिए हो रहा है, जो कि है कि इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन आए, उनको एक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट चाहिए। काउंटर पार्टी एक्सपोजर इज लिमिटेड टू द इंटरेस्ट रेट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द मार्केट रेट एंड द कॉन्ट्रैक्ट रेट। आपकी लाइबिलिटी जो काउंटर पार्टी, उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें क्या इंटरेस्ट रेट है और जिस समय लोन लेना है उस टाइम का मार्केट रेट क्या है, उन दोनों के डिफरेंस के लिए ही आप लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए आप लाइबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहां मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि यहां पे सिर्फ कैश फ्लो का सेटलमेंट होता है और वो डेली बेसिस पे नहीं होता है, नेट होता है, ठीक है। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब अगर आप अकाउंट स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जब आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज टाइप की चीजें होती हैं वो ऑफ द बैलेंस शीट शो की जाती है, मतलब बैलेंस शीट में नीचे दिखाई जाती हैं ये। तो FRA अगर आपने एग्रीमेंट किया तो आपकी लाइबिलिटीज कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, मे नॉट बी केस है, हो भी सकता है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े, आपको रिसीविंग हो जाए, तो इस तरह के आइटम कंटिजेंट में आ जाते हैं। तो ये क्या, इसे कहां शो करते हैं, ये ऑफ द बैलेंस शीट आइटम हो जाता है, राइट। तो दे कैन इजीली बी रेज टू और क्लोज आउट यूजिंग एन ऑफ सेटिंग FRA एट ए न्यू प्राइस, और इस चीज़ को बहुत आराम से रिवर्स या क्लोज कर दिया जा सकता है ऑफसेट करके या FRA को नई प्राइस पे चेंज करके। जैसे 10% है हमने मार्केट दिया था, हम लोगों ने एग्रीमेंट को रिन्यू कर लिया और रेट को एक्सचेंज कर दिया, इंक्रीज या डिक्रीज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी हो सकता है FRA में, क्लियर है। तो ये FRA की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब हम क्या देखते हैं कि FRA को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट जब भी होता है ना तो वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे 3x9, 2x6, 5x12, इस तरह से मेंशन होता है। इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे 3x9 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो जो फर्स्ट नंबर है जैसे 3, इस 3 का मतलब क्या हो गया कि जिस टाइम आपका कमेंसमेंट होगा, मतलब जिस टाइम पीरियड के बाद आपका लोन शुरू होगा, 3 मंथ्स के बाद आपका लोन शुरू होगा लोन का अमाउंट। और जो 9 लास्ट है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया एंड, पूरे एग्रीमेंट की एंडिंग डेट हो गई। और 3 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 मंथ का आ रहा है। इसका मतलब जो आप लोन लोगे वो कितने टाइम पीरियड के लोग लेंगे, 6 मंथ के लिए लोन लेंगे। तो बेसिकली ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब कि ये जो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपके लोन का टेन्योर होता है, कितने टाइम पीरियड का आपका लोन है। और जो स्टार्टिंग डेट है, फर्स्ट डेट जो आपका नंबर है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका लोन किस दिन से शुरू होगा। और एंडिंग डेट जो है, 9 जो लिखा है मंथ, वो मंथ आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल पूरा एग्रीमेंट से लेके लोन ख़त्म होने का टाइम पीरियड कितना हो गया, क्लियर है। तो ये बेसिकली पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ फॉरवर्ड एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट रेट, और आप जब एग्रीमेंट करते हो तो जिस रेट पे आप फिक्सिंग करते हो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेट, ओके। तो यहाँ पे ये बातें जो हैं थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होंगी। आप जैसे भी मैंने जो एग्जांपल लिया तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमें लोन लेना आज, मतलब हमें बात, हम चाहते हैं कि आज ही हमारा रेट फिक्स हो जाए और लोन हम लें कब, 3 महीने के बाद, ठीक है। तो आपका लोन शुरू कब होगा, 3 महीने के बाद, पर एग्रीमेंट कब हो गया, आज ही से एग्रीमेंट हो गया, तो आज से 3 महीना तो पहले आप देखेंगे और 3 मंथ्स के बाद जो भी रेट होगा उस पर लोन आपका शुरू हो जाएगा। तो ये 3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कमेंसिंग ऑफ लोन, कब से लोन शुरू हो रहा है, क्लियर है। इस फिगर में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा जब पीरियड्स दिए रहेंगे ना तो जो लास्ट डिजिट है ना वो हमेशा फर्स्ट डिजिट से ज़्यादा होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते 3x2, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब 3 मंथ से लोन शुरू होगा और 3 और 2 के बीच में कितने का गैप हुआ, 1 का, 1 महीने के लिए लोन होगा। तो एंडिंग कैसे होगा, मतलब आप टोटल, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या करिए, टोटल एग्रीमेंट का पीरियड, टोटल टेन्योर दिखाती है। तो शुरू हो रहा 3 मंथ से और टोटल टेन्योर 2 ही महीने के हैं तो कैसे हो पाएगा, और बीच में गैप 1 महीने का है तो ओवरऑल 3 मंथ होना चाहिए ना। तो बेसिकली आप ये समझिएगा कि लास्ट डिजिट हमेशा उससे ज्यादा क्यों होनी चाहिए, फर्स्ट डिजिट से, तभी आपका ये रिप्रेजेंट सही होगा। अब हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पे देखते हैं, आखिर ये
पेमेंट कैसे करेंगे। ये जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है इसका मतलब समझिएगा पहले। जैसे हमने अभी क्या कहा था आपसे, जो एग्जांपल हमने लिया था, एग्जांपल हमने आपसे क्या कहा कि जब 10% पे हमारा एग्रीमेंट हो गया और जब करंट जब 3 महीने बाद लोन लेने गए तो 15% का रेट चल रहा था, मतलब 5% जो इंटरमीडियरी है वो पेमेंट करेगी। किसको पेमेंट करेगी? आपके लोन को, मतलब बॉरोअर को पेमेंट करेगी। यही बात हमने डिस्कस की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 5% कैसे पे करेगी, क्या अमाउंट होगा 5% का? तो ये जो 5% का अमाउंट है ना, कि 5% पेमेंट करेंगी तो परसेंटेज में हो गया कि डिफरेंस 5% आ रहा है, पर 5% वैल्यू में कितना होगा, अमाउंट में कितना होगा, ये अमाउंट ये फॉर्मूला आपको बताने वाला है, राइट? तो लॉन्ग का जो सेटलमेंट होने वाला है, मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली जो पेमेंट होगा, जो अमाउंट में सेटलमेंट होगी, वो अमाउंट आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, पर पहले मैं इसे लॉजिकली समझाऊंगी, आप उस लॉजिकल से समझिएगा। आपने 10 लाख का लोन लिया था, एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, आपने 10 लाख का लोन दिया था, तो 10 लाख के लोन पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 10% पे हुआ था, मतलब आपका जो फॉरवर्ड रेट था, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट था वो कितना था, 10% था। जब 3 महीने बाद लोन लेने गए थे तो कितना था, 15% था। तो बेसिकली आपको डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ है, 5% का हुआ है। तो ये 5% किसका इंटरेस्ट अमाउंट होगा, आपके लोन के अमाउंट का, 10 लाख का 5% होगा। तो देखिए, नोशनल प्रिंसिपल आपने लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली इस प्रिंसिपल पर कोई लेना देना तो है नहीं, इसलिए तो इनोशनल है। तो आपने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया, 10 लाख का 5%, क्योंकि फ्लोटिंग रेट मार्केट में जो एक्चुअल रेट चल रहा है, फॉरवर्ड रेट जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, डिफरेंस ही तो आपको पेमेंट करना है, तो डिफरेंस आपने निकाल लिया कितना, 5%। तो 10 लाख का 5% आपको पेमेंट करना है, पर 10 लाख का 5% जब आप पे करेंगे, जब भी आप 5% 10% देखते हैं ना, तो ये एनुअल रेट होता है। तो 5% आपको एनुअली साल भर में होगा, लेकिन लोन भी क्या आप साल भर के लिए ले रहे हैं? नहीं। मान लीजिए हम उस केस में देखें तो 3 मंथ्स के बाद आप लोन लेना चाहते थे, लेकिन लोन कितने दिन के लिए लेना चाहते थे, 6 मंथ के लिए। सेम एग्जांपल में हम सोचते हैं कि लोन आप 6 मंथ के लिए लेना चाहते थे, तो आपको ये जो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा बीइंग एन बोरोवर, आपको जो रिसीव होने वाला है इंटरमीडियरी से 5% का इंटरेस्ट, वो कितने महीने का, साल भर का 5% थोड़ी होगा। आप जितने महीने के लिए लोन लेंगे उतने तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, तो बेसिकली कितने महीने के मिलेगा, 6 मंथ का, क्योंकि आप 6 मंथ के लिए लोन लेंगे। तो अगर डेज में करना होगा तो 6 मंथ मतलब 180 डेज डिवाइडेड बाई 360। इसको मंथ में करना चाहेंगे तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। ठीक है, ऊपर के फॉर्मूले की बात करें, नोशनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस अमाउंट आपका आ गया, और डिफरेंस अमाउंट साल भर का होता है, पर आप तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट में रहेंगे, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आप रहेंगे उतने टाइम पीरियड का आपने इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाई ये जो हुआ है ना, उसका मतलब समझिएगा। अब आपको ये जो इंटरेस्ट है ना, सिनेरियो समझिएगा, आपने एग्रीमेंट आज किया, लोन लेंगे 3 महीने बाद, क्लियर है, और इंटरेस्ट जो होगा वो 6 महीने के बाद का है, लोन का ड्यूरेशन 6 महीने के बाद का है। अब आप क्या करते हैं, जब 3 महीने बाद लोन लेने गए ना, और आपने देख लिया कि भाई 15% का रेट चल रहा है, तो आप अपने इंटरमीडियरी से क्या कहते हैं कि मुझे 5% अभी दे दो। इंटरमीडियरी क्या कहेगा आपसे, अभी क्यों दे दें, जब आप इंटरेस्ट पे करिएगा तब हम आपको इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे ना। आप इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप लोन ले रहे हैं, सेटलमेंट और एग्रीमेंट तो हमारा किस बात का हुआ है, इंटरेस्ट एक्सेस ना पड़े आपको कि आप 10% का इंटरेस्ट पे करिए, इसीलिए तो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और आज आप लोन लेने गए, एक भी इंटरेस्ट नहीं दिए, और आप ही आप मुझसे बोल रहे हैं कि 5% के रेट से मुझे पैसे दे दीजिए, तो हम कैसे आपको दे दें? तो झगड़ा किस बात का है? इंटरमीडियरी कहता है कि जब आप इंटरेस्ट पे कर लीजिएगा, मतलब एंड ऑफ द लोन, मैच्योरिटी ऑफ द लोन 6 महीने के बाद, हम आपको 5% के अमाउंट से पैसे दे देंगे, 6 महीने का जितना भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे। और बॉरोवर क्या कहता है, जब उसने लोन लेने गया, डिफरेंस देखा, उसने मांगा आज ही मुझे पेमेंट कर दीजिए, वो आज ही पैसा चाहता है। तो दोनों के बीच का रास्ता देखना पड़ता है, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर रहे हो और आपको दोनों में ही सेटलमेंट रखनी पड़ेगी। तो क्या कहा गया कि ठीक है, आप उसको डिस्काउंट कर लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, 6 महीने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका आज कितनी वैल्यू है वो निकाल लीजिए आप। तो वो कैसे निकालते हैं, अब आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा होगा तो आपको ये आता होगा कि अगर 10% है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.10 हो गया, तो 1 प्लस मतलब 1.01
वन जीरो कह देते हैं इसको, मतलब वन का फैक्टर ले लेते हैं, वन प्लस कर देते हैं आपका, वन बाई टेन कर देते हैं, तो इस तरह से करते हैं इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो बेसिकली ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो रहा है, 5% हो रहा है, 5% का डिफरेंस रेट था आपका, मतलब एक्चुअल रेट आपका कितने का था, 15% का एक्चुअल रेट था, तो 15% का आप क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, आप डिस्काउंट करा के उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे, 15% से आप डिस्काउंट कराएंगे, लेकिन 15% तो साल भर का था ना, बात तो सिर्फ 6 महीने की, जितने महीने का लोन लिया उस पर काम करेंगे, इसलिए पहले उस रेट को आप क्या करेंगे, आप उस रेट को 6 महीने का रेट निकाल लीजिए, अगर 15% का 6 महीने का रेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 7.5, तो आप उसको डिस्काउंट कराने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1.75, तो आप डिस्काउंट कराने के लिए डिवाइडेड बाई 1.75 कर देना चाहिए, तो जैसे ही आप 1.75 से डिस्काउंट लिख देंगे तो आपका तुरंत वो रेट से डिस्काउंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है, डिस्काउंटिंग के लिए डिवाइड किया गया और कुछ नहीं, डिस्काउंटिंग के लिए मतलब आप आज की वैल्यू निकालने के लिए, जो 6 महीने बाद की बात हो रही है, आप अगर आज पैसे मांग रहे हैं तो 6 महीने के पैसे की वैल्यू आज क्या होगी, ये निकालने के लिए ही आपने इसको डिवाइड किया है, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इंटरेस्ट रेट जो 15% का है वो 6 महीने के रेट से कितना होगा, पहले आप वो निकाल लीजिए और उसके बाद प्लस 1 कर दीजिए, परसेंटेज है तो ऑब्वियसली 7.5% आया, तो 1+7.5% मतलब क्या 1.75, बस डिवाइड कर देंगे आपका प्रेजेंट रेट निकल आएगा, यही है फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, ऊपर से आपने अमाउंट निकाला और नीचे से आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये आपके फॉरवर्ड रेट के अमाउंट को निकालने का तरीका है। फ्लोटिंग रेट जनरली लिबोर के थ्रू फिक्स किया जाता है, इंडिया में हैं आप तो लिबोर फिक्स कर देगी, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, अदरवाइज लिबोर के थ्रू भी फिक्स होता है, डिपेंड करता है आपका। और फुल अमाउंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्ट्स है वो आपको बायर को देगा, मतलब लॉन्ग को देगा, मतलब इंटरमीडियरी आपके बायर बॉरवर को पेमेंट करेगा, ठीक है, अदरवाइज बायर विल पे सेलर, ये तो दोनों सिनेरियो आपको पता है, कम और ज़्यादा का, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, पर एक क्वेश्चन लेंगे तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए लिखा है कि 3x6 FRA, मतलब एग्रीमेंट जो हुआ है 3x6 का, इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा, 3 महीने बाद लोन लिया जाएगा और 6 महीने एंडिंग है, मतलब कितने महीने के लिए लोन लिया जा रहा है, 6-3 करेंगे 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने बाद लोन लिया जाएगा और कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया जा रहा है, 3 मंथ्स के लिए, मतलब जो भी अमाउंट आप निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 3 मंथ मतलब 90 डेज। तो यहाँ पे 3x6, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, 3 मंथ्स के बाद लोन शुरू होगा और कितने टाइम पीरियड के लिए लोन हो रहा है, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6-3 करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्रीमेंट हो गया। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 मिलियन, ठीक है, मतलब 10 लाख का आपका लोन अमाउंट हो गया, डॉलर 1 मिलियन मतलब रुपीस में कर लीजिए तो 10 लाख आपके लिए लोन अमाउंट हो गया। आपका एग्रीमेंट किस रेट पे हुआ, 6%, मतलब आप लोगों ने जो बात फिक्स की वो 6% के रेट से फिक्स की है, मतलब जो बॉरोवर वो हर कीमत पे 6% का कॉस्ट बियर करने वाला है। सेटलमेंट डेट आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज़ के बाद आपका सेटलमेंट होगा और वो भी लिबोर पे होगा, ये बात हमने पहले ही बात कर ली, क्योंकि 3 मंथ्स का गैप है तो लिबोर पे हो रहा है, चलिए ठीक है, लिबोर का रेट होगा। एज्यूम दैट ऑन द सेटलमेंट डेट एक्चुअल 90 डेज़ लिबोर इज 8%, मतलब जब आप लोन लेने के लिए 3 महीने के बाद गए तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो कितना चल रहा था, 8% का चल रहा था, और आपने एग्रीमेंट कितने का कर लिया है, 6% का कर लिया है। पहले तो कंडीशन समझ लीजिए, आप फ़ायदे में हैं या नुकसान में, तो आप फ़ायदे में हैं, आपने 6% के लिए लोन किया था, लोन के लिए एग्रीमेंट किया था और मार्केट में जब गए तो 8% का हो गया, तो आप अपने इंटरमीडियरी से जो डिफरेंस अमाउंट है वो मांग लेंगे। डिफरेंस कितना है, 8-6 करिए 2%, इंटरमीडियरी आपको 2% का इंटरेस्ट वाप देगी आपको, क्लियर है। अब अमाउंट ही निकालने का सारा प्रॉब्लम आने वाली है, क्लियर है। दिस मींस दैट द लॉन्ग इज एबल टू बोरो एट रेट ऑफ 6% एंड द FRA विच इज 2% लेस इन द मार्केट रेट। इसका मतलब बोरोवर, वैसे तो देखा जाए तो वो जिस बैंक से लोन लेगा तो वो सीधा सीधा 8% से लोन लेगा, लेकिन इंटरमीडिएट से उसका 2% रिमबर्स हो जाएगा, तो बेसिकली उसको 6% का लोन पड़ा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट कितना हुआ, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10 लाख का। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसको नोशनल बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट और फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो भाई मार्केट का रेट 8% है और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 6%, मतलब 2% का डिफरेंस अमाउंट है, क्लियर है। 2% से आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो इसको परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 2/100 करेंगे तो मतलब 0.02 आ जाता है, क्लियर है। जिसकी मैथ्स वीक हो तो प्लीज़ ध्यान दे दीजिएगा, 2/100 करते हैं तो 0.02 आ जाता है, क्लियर है। अब
आपको पता है कि ये जो 2% आपको मिलने वाले हैं क्या साल भर के लिए, क्योंकि 2% का मतलब एनुअली होता है, तो साल भर में 2%, लेकिन आपका लोन का टेन्योर कितना है, सिर्फ 3 महीने का है, तो ये 2% भी 3 महीने के लिए मिलना चाहिए ना। तो याद रखिएगा, आपका लोन का टाइम 90 है, डिवाइड बाई 360 करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। आप चाहें तो फॉर्मूले में इकट्ठे रख के सॉल्व करिए, और चाहें तो आप ऐसे कैलकुलेट करते रहिए, इसको 3 / 12 करेंगे तो भी यही आएगा, मतलब मंथ में करेंगे तो भी वही आएगा, डेज में करना चाहें तो भी वही आएगा। कितने दिन का लोन है, 3 महीने के लिए लोन लिया गया है, ड्यूरेशन आप लोन की कितनी है, 3 मंथ्स, तो आपका ये हो गया। मतलब 2% भी जो मिलेंगे साल भर के नहीं, तो आपको 2% का 3 महीने का निकालना पड़ेगा। तो FRA पेमेंट बायर कितना करेगा, पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए, कितना पेमेंट करेगा, बायर को कितना पैसा मिलने वाला है, तो 10 लाख का 2% मिलेगा, और कितने, सिर्फ 3 महीने के लिए मिलेगा, यही मिलने वाला है, 10 लाख के 2% 3 मंथ्स के लिए। तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब इसको आज की डेट में कैलकुलेट करिए, आज की डेट में इसको लेके आइए, ठीक है, क्योंकि वही झगड़ा याद है, इंटरमीडियरी कह रहा है कि पूरा पेमेंट कर लीजिए, एंड ऑफ द लोन, मैच्योरिटी ऑफ द लोन हम आपको पेमेंट करेंगे अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट, और आप कहते हैं आज हम लोन लेने गए, आज हमको पता चला, आज हमको पैसा के पेमेंट कर दीजिए, इसीलिए आप क्या करने गए, डिस्काउंट करा दिए कि चलिए ठीक है उस दिन की वैल्यू को आज डिस्काउंट करा लेते हैं, आज कितनी वैल्यू होगी, तो आप आज के रेट से ही डिस्काउंट कराएंगे, और आज का रेट क्या चल रहा था, लोन जिस दिन लोन लेने गए तो उसका रेट क्या चल रहा था, 8%, तो उसी रेट से डिस्काउंट कराएंगे। तो ये भूलने की बात नहीं है कि किस रेट से डिस्काउंट कराएंगे, बट ऑब्वियसली बात है, जिस दिन लोन लेने गए आप मांग रहे हो आज का पैसा, तो आज लोन लेने गए थे तो किस रेट पे था, 8%, तो आप इसी रेट से डिस्काउंट कराइए, तो 8% से डिस्काउंट कराएंगे तो 8 तो एनुअल है, पर आप तो सब काम 3 ही महीने के लिए हो रहा, तो पहले 8 का 3 मंथ्स का रेट निकाल लीजिएगा, और उसके बाद उसको डिस्काउंट कराने के लिए 1.08 कर दीजिएगा, तो 1.08 जब आप डिवाइड में कर देंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, तो बेसिकली 5000 डिवाइडेड बाई 1.028 को जब आप 3 मंथ्स का निकालेंगे रेट, तो कितना आएगा, 0.02 आएगा, तो 1.02 से आप डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। मतलब वैसे तो देखा जाए आपको 5000 मिलना चाहिए, पर 5000 अगर आप एंड ऑफ द डेट लेते तो मिलता, पर आज अगर आप लेना चाहते हैं तो आज की 3 महीना जिस दिन आपने लोन लिया उसी दिन अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं इंटरमीडियरी से, तो आपको 4901 रुपीज़ रिसीव होंगे, मतलब डॉलर रिसीव होंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आई होप पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।